हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में सेरिकल्चर में आखिरकार लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है पेस्ट एंड डिजीज ऑफ सिल्कवर्म एंड देयर मैनेजमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो से जो पहले की वीडियोज़ हैं उसके अंदर भी हमने सेरिकल्चर के ही अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अच्छे से बात की है। इस वीडियो से पहले के टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। आज इस वीडियो के दौरान हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं पेस्ट एंड डिजीजेस के बारे में जो कि सिल्कवर्म के अंदर होती हैं। पेस्ट आप भी जानते होंगे कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हम देखते हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन वेलफेयर को नुकसान पहुँचाता है या डैमेज पहुँचाता है तो उसे हम पेस्ट कह देते हैं, है ना। हमारे केस में यहाँ सिल्कवर्म है यानी सेरिकल्चर को कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म अगर डिफेक्ट पहुँचा रहा है या डैमेज पहुँचा रहा है तो वो हमारे नज़र में पेस्ट है, है ना। तो उन पेस्ट के बारे में इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। तो दो मेन पेस्ट जो कि इंपॉर्टेंट हैं सेरिकल्चर के अंदर, तो उनके बारे में इस वीडियो के दौरान बात करेंगे हम, जो कि हैं ऊजी फ्लाई और साथ में डर्मेस्टेड बीटल। अब इसमें से जो ऊजी फ्लाई है वो लार्वा जो होते हैं सिल्कवर्म के उनको डैमेज पहुंचाती है, जबकि हम देख रहे हैं डर्मेस्टेड बीटल जो है ये जो स्टोर्ड हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कोकून्स वगैरह जो होते हैं ग्रेनेज वगैरह के अंदर, तो उनके अंदर ये डैमेज पहुंचाती है ये बीटल। तो उसके बारे में हम इस वीडियो के दौरान बात करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, साथ में उनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। और उसके बाद जब हम पेस्ट के बारे में जान लेंगे तो हम जानेंगे डिजीजेस के बारे में। तो चार मेन इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो हैं सिल्कवर्म की उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे पेब्राइन डिजीज़ के बारे में। पेब्राइन डिजीज़ या पेब्राइन डिजीज़ वो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, तो पेब्राइन डिजीज़ के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे ग्रेसरी डिजीज़ के बारे में, और फिर हम फ्लेचरी डिजीज़ और मस्केडाइन डिजीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट डिजीज हैं और मोस्ट कॉमनली देखी जाती हैं, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं मस्केडाइन डिजीज़ या फ्लेचरी डिजीज़, ग्रेसरी डिजीज़, ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ हैं, तो इनके बारे में अच्छे से हम बात करने वाले हैं। साथ में हम जानने वाले हैं कि इनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। ओके, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेरिकल्चर के साथ साथ हम एपिकल्चर और साथ में लाक कल्चर और साथ में ऐसे इंसेक्ट्स ऑर्डर जिनके अंदर प्रीडेटर्स पैरासिटाइड्स इनको रखा जाता है, तो इन सब के ऊपर हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो से पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस के लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पेस्ट के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है ऊजी फ्लाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊजी फ्लाई जो है वो रेयरिंग के दौरान लार्वा के ऊपर अपना अटैक दिखाती है। अच्छा, ऊजी फ्लाई, फ्लाई यानी मक्खी है ये, तो ये जो फ्लाई है वो हमारे घरेलू जो मक्खी होती है यानी कि जिसे हम कहते हैं मस्का डोमेस्टिका, है ना। तो उस मक्खी से कहीं ना कहीं हम देखते हैं थोड़ी बड़ी होती है और साथ में ज़्यादा उड़ान भरने वाली होती है, मतलब इसकी जो फ्लाइंग हम देख सकते हैं एफिशिएंसी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, है ना। और साथ में हम इसके अंदर और भी कुछ करेक्टर्स देख सकते हैं, जैसे कि ग्रे कलर की होती है और थोड़ा हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर स्ट्रिप्स देखे जाती हैं इसके हम थोरेक्स वाले पार्ट के ऊपर और पीछे एब्डोमिनल पार्ट पे, तो वो इसकी मॉर्फोलॉजी के करेक्टर्स होते हैं, वो यहाँ मैंशन करने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ मैंशन नहीं किए हैं। तो ऊजी फ्लाई जो है, जैसा कि मैंने बताया, फ्लाई है, एक ट्रू फ्लाई है, तो ट्रू फ्लाई है तो ऑफकोर्स इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा डिप्टेरा, है ना, ये तो आप जानते होंगे। और साथ में इसकी जो फैमिली है इसे हम कहते हैं टैकिनिडी। ओके, टैकिनिडी फैमिली की जो फ्लाइज होती हैं उन्हें हम टैकिनिड फ्लाई भी कहते हैं, तो ऊजी फ्लाई भी एक तरह की टैकिनिड फ्लाई है, है ना। टैकिनिड फैमिली की और भी फ्लाइज होंगे उन्हें टैकिनिड फ्लाई कहा जा सकता है, तो इसी तरह से ही ऊजी फ्लाई को भी टैकिनिड फ्लाई कहा जा सकता है, तो इसे इन जनरल आप याद रख सकते हैं। काम की बात जो है वो ये है कि एक्सोरिस्टा बोम्बाइसिस इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम आप इसका याद रखेंगे जो कि है एक्सोरिस्टा बोम्बाइसिस। ओके, अब ऊजी फ्लाई है ये मक्खी क्या बिगाड़ लेगी हमारी सेरिकल्चर का, तो हम इसकी बात करें तो मोड ऑफ डैमेज की, तो कैसे डैमेज पहुंचाती है, तो हम देखते हैं फीमेल फ्लाइज ले देयर एग्स ऑन सिल्क वर्म कैटरपिलर बाय पियर्सिंग देयर स्किन। क्या मतलब निकला इस बात का, तो फीमेल फ्लाइज होती हैं वो क्या करती हैं, हम देखते हैं ले देयर एग्स, अपने अंडे दे देती हैं किसके अंदर, तो किसके अंदर हम देख रहे हैं सिल्क वर्म कैटरपिलर के अंदर, यानी हमारे जो लार्वा हैं, है ना। तो वो जब आफ्टर
थर्ड लार्वा इंस्टार, यानी अपना थर्ड इंस्टार के बाद के जो लार्वा होते हैं जो बड़े हो जाते हैं थोड़े, उनकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इनके माउथ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि उसको पियर्स करके, छेद करके उसके अंदर हम देखते हैं क्या देखते हैं हम कि ये कहीं ना कहीं अपनी एग्स ले कर देती हैं। अब एग्स ले वहाँ कर देती हैं तो एग्स उसके लार्वा के अंदर चले गए, तो उसके बाद क्या होगा, 2 से 3 दिन बाद जब उसके अंदर हैचिंग होगी उन एग्स में से, तो उनमें से मैगट्स बाहर निकलेंगे। आप जानते होंगे कि जो फ्लाइज होती हैं उनके लार्वा को हम क्या कहते हैं, मैगट्स कहते हैं, है ना। तो ये जो मैगट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो लार्वा के इंटरनल ऑर्गन्स जो होंगे उनको फीड करेंगे, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम कॉज करेंगे, है ना। तो इसी तरह से हमने लिखा है, द मैगट्स लार्वा ऑन हैचिंग अटैक ऑन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म के इंटरनल ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं वो डैमेज पहुँचाने लगते हैं। क्लियर है ये बात। अब डैमेज पहुँचाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होने लग गया, हमारा सिल्कवर्म वीक होने लगेंगे। तो अब हम देख रहे हैं, हैंस इट इज़ अ सीरियस एंडो लार्वल पैरासिटॉइड। एंडो मतलब अंदर, बॉडी के अंदर, लार्वल मतलब लार्वा के अंदर बॉडी के ये रहते हैं, और पैरासिटॉइड है। पैरासिटॉइड के बारे में आपने कहीं ना कहीं जाना है पहले भी, पिछले वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं, कि पैरासिटॉइड क्या होते हैं, जो अपनी जिनकी लार्वल स्टेज जो है वो कहीं ना कहीं होस्ट को प्रॉब्लम पहुँचाती है। होस्ट कौन है, हमारे सिल्कवर्म, और हम देख रहे हैं प्रॉब्लम करने वाला कौन है, तो ये फ्लाई के लार्वा यानी कि मैगट्स, मैगट्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम पैरासिटॉइड कह रहे हैं, है ना। तो उसके बारे में हमने पिछले से, यानी वेरी फर्स्ट वीडियो जो था मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, शायद उसके अंदर हमने बात की थी। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि उजी फ्लाई का डैमेज किस तरह से होता है। और एक सिम्टम की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ब्लैक स्कार्स ऑन सिल्कवर्म बॉडी, सिल्कवर्म की जो बॉडी होती है उसके ऊपर काले कलर के दाग या स्कार्स देखे जाते हैं, जो कि क्या इंडिकेट करते हैं कि भाई वहाँ पे उसने क्या कर दिया है, अपना एग ले कर दिया है। ओके, तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं उजी फ्लाई के बारे में। और साथ में एक चीज़ मैंने बताई थी जो यहाँ मेंशन नहीं है, कि थर्ड इंस्टार स्टेज जो होती है लार्वा की, थर्ड इंस्टार स्टेज से लेकर आगे जब तक वो स्पिनिंग करने वाली स्टेज में पहुंच जाए, यानी थर्ड, फोर्थ और हम देख रहे हैं फिफ्थ इंस्टार स्टेजेस होंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये उजी फ्लाई जो है वो अपनी एग लेइंग करती है। ओके, अब जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसके अंदर हम उजी फ्लाई के मैनेजमेंट के बारे में और बात करने वाले हैं। ओके, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो उजी फ्लाई के बारे में जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं उजी फ्लाई के मैनेजमेंट की। तो इसके अंदर हम देखते हैं IPM, वैसे आप जानते ही होंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कल्चरल, फिजिकल, केमिकल और साथ में बायोलॉजिकल मेथड्स जो होते हैं उन सभी को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, यानी एक साथ काम में लिया जाए, है ना, ताकि अलग अलग तरह के मेथड्स काम में लिए जाएँ ताकि उसका डैमेज कम से कम हो सके, है ना। तो इसी तरह के मैनेजमेंट को हम IPM या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ये आप जानते भी होंगे, है ना। तो उसके अंदर हम सबसे पहले हम बात करें तो कल्चरल मेथड्स की, तो कल्चरल मेथड के अंदर हम देख सकते हैं मेंटेन सैनिटरी एंड हाइजेनिक कंडीशंस इन रेयरिंग रूम, यानी कि हम देख रहे हैं कि गंदगी ना हो, गंदगी वगैरह नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं फ्लाई का अटैक वहाँ कम हो सकता है। तो वहाँ पे सैनिटेशन का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। साथ में हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो उजी फ्लाई है उसका अटैक कोकून्स तक भी देखा जा सकता है, क्योंकि उसके मैगट्स जो हैं कहीं ना कहीं कोकून स्टेज में भी प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऐसे जो डैमेज्ड कोकून वगैरह हैं उन्हें हमें हटा देना चाहिए, है ना, क्योंकि वो कोकून्स में ही अगर ये मैगट्स वगैरह हैं तो अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं और उसके फैलाव जो है इस उजी फ्लाई का वो देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब हमें डिफेक्टेड जो भी कोकून्स वगैरह हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए वहाँ से। तो इस तरह से कुछ कल्चरल मेथड्स आप याद रख सकते हैं। फिजिकल मेथड्स के अंदर हम देख रहे हैं यूज़ ऑफ उजी नेट्स, नेट्स यानी जाली, है ना। तो खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे एक तरह की जाली लगाए रखनी चाहिए जिससे कि उजी फ्लाई अंदर ही ना आ सके रेयरिंग रूम में, है ना। और हम देख रहे हैं केमिकल मेथड्स के अंदर तो यूज़ ऑफ उजी ट्रैप्स। उजी ट्रैप्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर केमिकल है उसे हमने कहीं ना कहीं किसी पानी के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर मिला के वो जो सॉल्यूशन है उसे ऐसे कंटेनर में रख दिया जो कि येलोइश कलर का बन रहा है ना, और जो कि अट्रैक्ट कर सकता है उजी फ्लाई को, तो उजी फ्लाई उसमें आगे गिर जाएगी और कहीं ना कहीं आगे फैल नहीं पाएगी, है ना। तो इस तरह से उजी ट्रैप्स वगैरह जो हैं उनको हम काम में ले सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं मैनेजमेंट टूल हो सकता है हमारे लिए। और हम देख रहे हैं उजी जाइड्स, जिसके अंदर हम बेंजोइक एसिड वगैरह देखते हैं, साथ में उजी पाउडर्स यानी उजी को ही कंट्रोल करने के लिए अलग अलग किसी पर्टिकुलर केमिकल का पाउडर, तो उसको भी हम काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ केमिकल मेथड्स या मेजर्स जो आप याद रख सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है हाइपर पैरासिटॉइड।
हाइपर पैरासिटॉइड, या आप जानते होंगे पैरासिटॉइड के भी ऊपर पैरासिटॉइड, है ना। हमने बात करी थी एक वीडियो के अंदर कि जैसा कि उजी फ्लाई पैरासिटॉइड है किसके ऊपर, सिल्कवर्म लार्वा के ऊपर, अभी जो पैरासिटॉइड है इसके ऊपर भी एक पैरासिटॉइड काम में ले लेंगे हम, जिसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है नीजोलिंक्स थाइमस। नेसोलिंक्स थाइमस जो है इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखें हम। ये नेसोलिंक्स थाइमस जो है ये क्या करता है, हाईली इफेक्टिव इंडिजीनस एक्टोपैरासिटॉइड ऑफ उजीफ्लाई। उजीफ्लाई के ऊपर ये एक्टोपैरासिटॉइड है, एक्टो मतलब बाहर से, है ना, कहीं ना कहीं से डैमेज पहुंचा सकता है उजीफ्लाई को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इन चारों मेथड्स को एक साथ काम में लेना एक तरह से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। तो इस तरह के कुछ प्रिवेंशन के मेथड्स जो हैं, हमें कोई भी अलग तरह का पेस्ट भी हो तो उसके लिए भी इसी तरह से हमें उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब सेकंड इम्पॉर्टेंट पेस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है डर्मेस्टिड बीटल। अब डर्मेस्टिड बीटल जो है ऑफकोर्स डर्मेस्टिडी फैमिली से हैं। अभी जो डर्मेस्टिड बीटल है, आपको याद हो तो हमने जो स्टोर्ड ग्रेन ये वाला जो कोर्स टाइटल था, है ना, पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो स्टोर्ड ग्रेन के पेस्ट थे तो उसमें हमने खापरा बीटल के बारे में बात की थी। तो वो खापरा बीटल कहीं ना कहीं स्टोर्ड फॉर्म को कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचाता है। तो आज जिस डर्मेस्टिड बीटल की हम बात कर रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं स्टोर्ड कंडीशंस जो हैं उनके अंदर डैमेज पहुंचा रहा है। स्टोर्ड कंडीशंस हमारे लार्वा को स्टोर तो हम करते नहीं हैं, हम उनकी कोकून्स जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं। तो अब उन कोकून्स के ऊपर ही अपना डैमेज पहुंचाता है। कोकून्स का जो स्मेल होती है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है इस तरह के बीटल्स को, जिसकी वजह से वो उसको अपनी फीडिंग के लिए काम में लेते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये जो डर्मेस्टिड बीटल है वो उसके स्टोर्ड फॉर्म जो होती है यानी कोकून जो है उसको कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचाते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ इट प्रिविलेंट इन एग प्रोडक्शन सेंटर। अच्छा, एग प्रोडक्शन सेंटर यानी जिसे हम कह रहे हैं ग्रेनेज, है ना, तो ग्रेनेज वगैरह जिसे हम कहते हैं। तो एग प्रोडक्शन सेंटर इज डर्मेस्टिस अटर। डर्मेस्टिस अटर जो है, ये पर्टिकुलर डर्मेस्टिस स्पीसीज कौन सी, अटर, है ना, तो ये डर्मेस्टिस अटर जो है वो पर्टिकुलर हम देख रहे हैं कोकून्स को डैमेज हो जाता है सिल्कवर्म के। ओके, इसको आप याद रख सकते हैं, है ना। डर्मेस्टिड बीटल जो है उसका ऑर्डर बीटल है, तो ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं कॉलियोप्टेरा के अंदर होगा और फैमिली जो है वो डर्मेस्टिडी इसकी फैमिली है। डर्मेस्टिडी फैमिली के जो बीटल्स हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं स्किन बीटल या कारपेट बीटल और साथ में खापरा बीटल, इस तरह के कॉमन नेम्स दिए जाते हैं, तो आप उसको भी जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। साथ में हम देख रहे हैं इसका डैमेज किस तरह से डैमेज हो जाता है ये बीटल। तो द फीमेल ले एग्स इन द फ्लॉस ऑफ कोकून्स। कोकून्स का फ्लॉस मतलब एक तरह से रॉक सिल्क वगैरह जो होगा, है ना, तो जाला सा जो हम कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये अपने एग्स ले कर देती हैं। द ग्रब्स कॉज मोर डैमेज देन द एडल्ट्स। ग्रब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्वल स्टेजेस ऑफ बीटल, है ना, बीटल की लार्वा स्टेज को हम ग्रब कहते हैं। अब ग्रब होते हैं तो वो यंग स्टेज में होते हैं, उनको भूख ज़्यादा होती है कहीं ना कहीं अपनी अपनी ग्रोथ करने के लिए लाइफ के अंदर, तो कहने के लिए हम देखते हैं कि वो डैमेज जो है वो ऑफकोर्स ज़्यादा पहुंचाते हैं किससे, एडल्ट से। एडल्ट भी डैमेज कॉज करते हैं लेकिन ग्रब्स ज़्यादा करते हैं। द इन्फेस्टेड कोकून शो द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल होल्स ऑन देम। जो इन्फेक्टेड कोकून होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ छेद वगैरह देखे जाएंगे, इररेगुलर से होल्स देखे जाएंगे, जैसे हम पहचान सकते हैं कि भाई वहाँ पे डैमेज हो रहा है कहीं ना कहीं डर्मेस्टिड बीटल का। ओके, और प्रिवेंटिव्स के यानी प्रिवेंशन मेथड्स के अंदर तो आपने जाना ही था, जैसे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमें काम में लेना चाहिए, साफ़ सफाई हमें रखनी चाहिए, रेयरिंग हाउस नहीं स्टोर्ड हाउस की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्रैक्स होल्स वगैरह हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बंद रखना चाहिए हमें, है ना, एक बार स्टोर करने से पहले भी वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई कर देनी चाहिए। डिसइन्फेक्टेंट्स वगैरह जो होते हैं जो इन बीटल्स को किल कर सकते हैं, या हम देख सकते हैं वहाँ पे फ्यूमिगेशन कर देना चाहिए पहले ही, स्टोर करने से पहले ही सिल्क हम कोकून को स्टोर करने से पहले ही इस तरह का फ्यूमिगेशन वगैरह कर देना चाहिए किसी केमिकल का, ताकि हम देखें कि वहाँ के बीटल्स वगैरह अगर कहीं होल्स क्रैक्स में छिपे भी हों तो वो निकल के मर जाएं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ तो इसके प्रिवेंटिव मेथड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के रूप में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपके पास कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ बोर्ड पे मैंने इस चीज़ को नहीं लिखा। ओके, अब इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि डिजीजेज ऑफ सिल्कवर्म यानी कि एबनॉर्मलिटीज़,
है ना, जिसके अंदर कहीं ना कहीं सिल्क वर्म्स अपनी फंक्शंस ढंग से नहीं कर पाते। तो उस डिजीज़ कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट हैं और उनके मैनेजमेंट क्या हैं, तो वो आने वाली स्लाइड के अंदर हम बात जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं डिजीज़ ऑफ सिल्क वर्म के बारे में, यानी कि कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। तो हम देख रहे हैं सबसे पहली डिजीज़ जो कि है पेब्राइन डिजीज़ या पेब्रिन डिजीज़ जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका जो कॉजल एजेंट है, कॉजल एजेंट जो है वो क्या है, वो हम देखते हैं नोसेमा बोम्बाइसिस। अब नोसेमा बोम्बाइसिस, नोसेमा का नाम आपने पहले भी सुना है, नोसेमा एपिस के रूप में, है ना। नोसेमा एपिस की बात की थी हमने बी डिजीजेस के बारे में जब हमने बात करी थी ना, बी डिजीजेस एंड देयर मैनेजमेंट का जो वीडियो था उसके अंदर हमने जाना था नोसेमा एपिस के बारे में। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो नोसेमा होता है वो एक तरह का प्रोटोजोआ होता है ना। प्रोटोजोअन डिजीज़ है ये एक तरह की, उस वक्त हमने बताई थी जो, है ना, नोसेमा डिजीज़ एक तरह की, मैंने कहा था आपको कि वो हम देख रहे हैं प्रोटोजोअन डिजीज़ है। लेकिन किसी भले इंसान ने मेरे को जब एक कमेंट सेक्शन में बताया कि नोसेमा जो है उसे अब रीक्लासीफाई करके अब उसे फंगस के अंदर रखा जाता है, यानी एक माइक्रोस्पोरेडिया के रूप में, या हम कह सकते हैं ये एक फंगस है, उसे प्रोटोजोआ के रूप में पहले कंसिडर किया जाता था, लेकिन आज इसे हम केस में कंसिडर करते हैं फंगस के रूप में कंसिडर करते हैं। तो अब इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो नोसेमा है वो क्या है, एक तरह का फंगस है। तो ये डिजीज़ जो है वो एक तरह की फंगल डिजीज़ कही जा सकती है। ओके, तो आप यहाँ याद रखें कि नोसेमा बोम्बाइसिस एक तरह की फंगस है, अपडेटेड चीज़ है ये, वरना बुक्स वगैरह के अंदर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रोटोजोअन नाम देख सकते हैं उसमें, तो बाकी माइक्रोस्पोरेडिया भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब जो पेब्राइन डिजीज़ है वो नोसेमा बोम्बाइसिस की वजह से होती है। कैसे फैलती है ये बीमारी, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम देख रहे हैं द डिजीज़ स्प्रेड थ्रू इंजेशन ऑफ मलबरी लीव्स कंटेमिनेटेड विथ पेब्राइन स्पोर्स। पेब्राइन स्पोर्स जो होंगे वो अगर मलबरी लीव्स के ऊपर पड़े हैं तो अगर उन्हें वो कंज्यूम कर लेंगे कौन, हमारे लार्वा, तो उसके अंदर उस इस तरह की बीमारी जा सकती है। ठीक है, इस चीज़ को तो आप याद रख ही सकते हैं। इससे आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि ये जो डिजीज़ है वो इसके जो स्पोर्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग पे अगर हैं तो वो डैमेजिंग हो सकते हैं, है ना। तो हमें जो लीव्स इस्तेमाल करनी चाहिए वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ऐसी कोई स्पोर्स वाली नहीं होनी चाहिए, है ना। ऑल्सो बाय ट्रांस ओवेरियल, ट्रांस ओवेरियल का मतलब लिखा है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू एम्ब्रियो, यानी कि जो इन्फेक्टेड मदर है, मान लीजिए एक कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मौत है, फीमेल मौत है, उसके अंदर से जो एम्ब्रियो निकल रहे हैं या एग्स निकल रहे हैं उसमें एम्ब्रियो जो होंगे उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकती है बीमारी, तो यानी कि दिक्कत वाली बात है। तो ये ट्रांस ओवेरियल बीमारी भी है, उसका स्प्रेड ऐसे भी फैल सकता है। और हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो हम देखते हैं ब्लैक स्पॉट्स ऑन बॉडी ऑफ लार्वा, लार्वा की बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स देखे जाते हैं। अब इसी वजह से इसका नाम पेब्राइन डिजीज़ कहा गया है, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं पेपर लाइक ब्लैक स्पॉट्स। जब इस डिजीज़ के बारे में हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो हम वहाँ लिखते हैं पेपर लाइक ब्लैक स्पॉट्स की वजह से इसे नाम दिया है पेब्राइन डिजीज़, तो आप जनरल नॉलेज के रूप में याद रख सकते हैं इसे। और हम देखते हैं इररेगुलर हैचिंग देखी जाती है एग्स में, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है लार्वा की, लार्वा ढंग से ग्रोथ नहीं करते, और इस वजह से हम देखते हैं डिलेटेड मॉल्टिंग, मॉल्टिंग टाइम पे नहीं हो पाती, और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी लार्वा ढंग से खा पी भी नहीं पाते, उनकी एपेटाइट यानी भूख जो है वो घट जाती है। तो कहने का मतलब ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं, और इस सिम्टम से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नोसेमा इन्वेड्स ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑफ एम्ब्रियो लार्वा प्यूपा एंड मॉथ, यानी कि लाइफ की सारी स्टेजेस जो हैं वो उनके ऊपर इन्फेस्टेशन दिखा सकता है, कौन, नोसेमा बोम्बाइसिस, यानी कि जो फंगस है वो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस जितनी भी हैं एम्ब्रियो लार्वा प्यूपा एंड मॉथ इन सभी पे अपना क्या दिखा सकता है, डैमेज दिखा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना नोसेमा बोम्बाइसिस और पेब्राइन डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो फटाफट से अब बात कर ली जाए इस पेब्राइन डिजीज़ की प्रिवेंशन या कंट्रोल की, तो हम देख सकते हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो इनमें मेन बात जो है वो ये है कंक्लूजन कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। ये आप भी जानते हैं कि भाई बचाव के उपाय अपना लेना सबसे बड़ी समझदारी है, बजाय कि हम सोचें कि उसका इलाज क्या है ना, क्योंकि अब बीमारी हो गई तो फिर तुम क्या ही सिल्क वर्म को दवाइयाँ वगैरह खिलाओगे जिससे वो बच जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, है ना। बीमारी हो गई तो फिर उनकी डेथ हो जाएगी, तो कहने का मतलब ये हुआ प्रोडक्शन पे बहुत बुरा फर्क पड़ेगा। तो प्रिवेंशन यानी कि ऐसी बीमारी हो ही ना इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, प्रिवेंशन करे रखना चाहिए, यानी कि डिसइन्फेक्शन ऑफ रेयरिंग रूम, रेयरिंग रूम जो है उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, ओनली एग्स ऑफ हेल्दी मदर मॉथ शुड बी यूज, है ना। हेल्दी मतलब कह सकते हैं एक सर्टिफाइड जो एजेंसी या कह सकते हैं एग प्रोडक्शन सेंटर है, ग्रेनेज है,
गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहीं से हमें सीड्स कलेक्ट करनी चाहिए जो कि पर्टिकुलर ट्रस्टेड हों, है ना, ताकि अगर वो हेल्दी मदर के नहीं होंगे तो उनसे एग्स या एम्ब्रियो के अंदर डिजीज़ फैल सकती है। और हम देख सकते हैं स्पोर्ट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय ट्रीटमेंट विद 2% फॉर्मेलिन, 2% फॉर्मेलिन जैसे केमिकल्स वगैरह जो होते हैं उनका यूज़ करते हुए हम स्पोर्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं फॉर 30 मिनट्स। और 5% क्लोरीनेटेड लाइम, क्लोरीनेटेड लाइम्स जो है उसे को भी हम यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को डैमेज पहुँचा या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, जिससे क्या होगा, स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इन्फेक्शन जो है उसका खतरा कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से कुछ प्रिवेंशन की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्लेचेरी डिजीज़ के बारे में। अभी जो फ्लेचेरी डिजीज़ है हम देखते हैं, इट्स अ सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या आप जानते होंगे कि डिजीज़ और सिंड्रोम में कुछ फ़र्क होता है। डिजीज़ हम तब कहते हैं जब कोई पर्टिकुलर एक कॉज या किसी एक कारण से कहीं ना कहीं कोई चीज़ एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसे हम डिजीज़ कह देते हैं। लेकिन सिंड्रोम हम तब कहते हैं जब एक से ज़्यादा कोई कॉज हो, यानी एक से ज़्यादा कोई कारण हो और वो पर्टिकुलर पक्का कारण ना हो, है ना, तो उस कंडीशन में हम उसे सिंड्रोम कह देते हैं। तो इसको सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं हम, इट्स अ सिंड्रोम कॉज्ड बाय आइदर वायरस, बैक्टीरिया और बाय बोथ एसोसिएशन, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो एक वायरस की वजह से हो जाता है। अब वायरस कैसे, तो हम देख रहे हैं बॉम्बिक्स मोराई इन्फेक्शियस फ्लेचेरी वायरस ऐसे करके, मतलब वायरसेस के तो आपने अगर आज तक ये ढंग से साइंस पढ़ी है, पैथोलॉजी पढ़ी है, तो आप जानते होंगे कि वायरस के नाम तो हम डिजीज़ के नाम पे ही दे देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब तो उसी तरह से अलग अलग तरह के जो वायरस हैं उनकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है, है ना। और हम देख रहे हैं जैसे कि बॉम्बिक्स मोराई डेंसो वायरस ऐसे करके जो अलग अलग वायरस हैं उनकी वजह से हो सकती है। बैक्टीरिया जैसे हम देख सकते हैं कौन से, तो हम देख रहे हैं स्टेफिलोकोकस, है ना, या स्ट्रेप्टोकोकस, इनकी जो पर्टिकुलर स्पीसीज हैं उनकी वजह से हम देख रहे हैं ये बीमारी हो सकती है। साथ में हम देख सकते हैं इन दोनों के एसोसिएशन से, यानी किसी बैक्टीरिया और वायरस दोनों की मौजूदगी की वजह से भी इस तरह की बीमारी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फ्लेचेरी डिजीज़ है, इस तरह से इस डिजीज़ को हम सिंड्रोम भी खा सकते हैं और सिंड्रोम के रूप में भी समझ सकते हैं। ओके, और हम देख रहे हैं इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं, अच्छा सिम्टम्स से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया बैक्टीरिया की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो बेसिलस थुरिंजिनेसिस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं बहुत फेमस नाम जो आपको सुना हुआ ही होगा, बीटी, है ना, तो बेसिलस थुरिंजिनेसिस की वजह से अगर ये बीमारी होती है तब इसे हम सोटो SOTTO इस तरह की डिजीज़ भी कहते हैं, सोटो डिजीज़ भी कह देते हैं। ओके, तो आप उस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। ओके, और हम देखें इसके सिम्टम्स की तो बात, तो देखते हैं हम वर्म्स अपीयर लेथार्जिक, लेथार्जिक यानी वीक, कमज़ोर से हो जाते हैं हमारे लार्वा। ट्रांसक्यूलेंट, ट्रांसक्यूलेंट स्टेज आप जानते होंगे कि एक ट्रांसपेरेंट होता है और एक ब्लर होता है ना, तो ट्रांसपेरेंट और उसके बीच की जो स्टेज है ब्लर सी स्टेज जो हम कह देते हैं, है ना, एक ट्रांसपेरेंट होता है और दूसरा हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी बीच की कंडीशन को हम कह देते हैं ट्रांसक्यूलेंट, जिसमें धुंधला सा कुछ नजर आए, तो वैसा उसकी बॉडी वैसी सी हो जाती है, ट्रांसक्यूलेंट सी हो जाती है। और हम देखते हैं फ्लैसिड होती है, मतलब पिचक जाना, है ना, पिचक सी जाती है बॉडी, एंड विथ स्टंटेड ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड यानी कि अच्छे से नहीं हो पाती। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से कुछ इसके सिम्टम्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। और इसके कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में इतना कुछ खास अलग है नहीं, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इफेक्टिव डिसइंफेक्शंस को काम में लेना चाहिए, रेयरिंग हाउस को साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना, अवॉइड ओवर क्राउडिंग यानी कि बेड में स्पेसिंग अच्छे से रखनी चाहिए, ओवर क्राउडिंग ना हो, ज़्यादा ही भर भर के ना डाल दिए जाए लार्वा किसी एक की जगह पे। मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो तो हमें रखनी ही होती है। अप्लाई ब्लीचिंग पाउडर प्लस लाइम एट 1:9, है ना, इस तरह से कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाई प्रॉपर बेड क्लीनिंग एंड हाइजीन, वो तो हमें हर डिजीज में करना ही होता है। तो इस तरह से कुछ प्रिवेंशन के मेथड्स भी आप याद रख सकते हैं। और इस तरह से हमने जाना फ्लेचेरी डिजीज़ के बारे में। ओके, तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है ग्रेसेरी डिजीज़। ग्रेसेरी डिजीज़ को और भी कुछ नाम दिए जाते हैं जो कि है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस डिजीज़ और मिल्की डिजीज़ और हैंगिंग डिजीज़, है ना, ये तीनों ही नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट हैं। तो इन नामों से ही आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस डिजीज़ कह रहे हैं तो इसका मतलब ये एक वायरल डिजीज़ है, है ना, तो कौन सी वायरल डिजीज़, किसकी वजह से, तो हम देख रहे हैं बॉम्बिक्स मोराई न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, BMNPV।
एनपीवी का नाम आपने मेरे ख्याल से हमेशा सुनते ही आए होंगे बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर के अंदर, है ना। तो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस जो होता है वो भी पर्टिकुलर हम बॉम्बिक्स बोरान के नाम पे दे रहे हैं ऐसे नाम, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है ना। और हम देख रहे हैं साथ में इसे मिल्की डिजीज़ भी कहा जाता है, क्यों उसकी उसका रीज़न यहाँ सिम्टम्स में पढ़ेंगे हम। और इसे हैंगिंग डिजीज़ भी कहा जाता है, तो उसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। क्या पढ़ना है तो देखते हैं हम। शाइनिंग एंड फ्रेजाइल स्किन, शाइनिंग सी स्किन हो जाती है इसकी, जो लार्वा होते हैं वो चमके चमक से दिखाई देते हैं, शाइनिंग हो जाती है उनके अंदर, शाइनिंग से दिखाई देते हैं। और साथ में हम देख रहे हैं रेस्टलेसनेस, यानी वो एक जगह बैठ नहीं पाती कहीं कहीं, रेस्टलेसनेस आ जाती है उनके अंदर, है ना। और हम देखते हैं स्वेलन इंटरसेगमेंटल रीजन, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वेलन यानी सूजन आ जाती है, इंटरसेगमेंटल रीजन यानी दो सेगमेंट के बीच का जो रीजन होता है वहाँ सूजन आ जाती है इसके अंदर, है ना। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, आपको याद रखना है जो कि। और हम देख रहे हैं रप्चर ऑफ स्किन, कभी कभी स्किन फट भी जाती है, और उस वजह से हम देखते हैं ऊजनिंग ऑफ मिल्की वाइट हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ बॉडी का लिम्फ जो होता है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है जो कि मिल्की वाइट कलर सा होता है। तो अब इस मिल्की वाइट ऊजनिंग की वजह से ही इसे क्या नाम दिया है, मिल्की डिजीज नाम दिया है। और साथ में हम देखते हैं इनके जो प्रोलैग्स होते हैं उसके ऊपर ये ऐसे लटके हुए से दिखाई देते हैं, यानी हैंगिंग स्टेज के अंदर आ जाते हैं। हैंगिंग स्टेज भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, ग्रेसेरी डिजीज़ का, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो कह रहे हैं मतलब इस तरह से एक ग्रेसेरी डिजीज़ जो काफ़ी कॉमन है, वायरल डिजीज़ है, इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हमने जाना। कंट्रोल के अंदर भी कोई स्पेसिफिक अलग से कंट्रोल नहीं है, बाकी जो डिजीज़ कंट्रोल हमने पहले पढ़े उसी तरह के कुछ कंट्रोल इसमें भी हम देख सकते हैं। ओके, तो चलिए एट लास्ट अब एक और डिजीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है मस्केडाइन डिजीज़। मस्केडाइन डिजीज़ का नाम आपने बहुत पहले भी सुना होगा, है ना। तो इस डिजीज़ को हम कैल्सिनो डिजीज़ भी कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम देखते हैं जो लार्वा होते हैं वो कहीं ना कहीं जब डेड हो जाते हैं, डेथ के बाद कहीं ना कहीं हार्डर मतलब बहुत हार्ड हो जाते हैं, और साथ में चौक जैसी अपीरियंस हो जाती है उनकी, है ना। तो चौकी अपीरियंस होने लग जाती है, इस वजह से इसे हम कहीं ना कहीं कैल्सिनो डिजीज़ भी कहते हैं। चौक कैल्शियम, तो शायद इसी वजह से नाम दिया है कैल्सिनो, है ना, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और हम देखते हैं होती किसकी वजह से है, तो हम देखते हैं कॉज्ड बाय मैनी एंटेमो पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, एंटेमो पैथोजेनिक फंजाई, एंटेमो पैथोजेनिक का मतलब ये हुआ एंटेमोलॉजी यानी इंसेक्ट्स, पैथो और हम देख रहे हैं पैथोजेनिक यानी कोई प्रॉब्लम कॉज कर रहा हो, है ना, पैथोजेन के रूप में काम कर रहा हो कोई फंजाई, है ना, तो इसे एंटेमो पैथोजेनिक फंजाई कहते हैं हम। इसकी अलग अलग स्पीसीज जो है वो मस्केडाइन डिजीज कर देती है, है ना। ऑफन नेम्ड फॉर द कलर ऑफ कॉनिडियल लेयर ईच लीव्स ऑन दी इट्स होस्ट, जो होस्ट होता है उसके ऊपर ये अपनी कोई फंगस की लेयर जो रह जाती है उसके हिसाब से इसे हम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, जैसे कि वाइट मस्केडाइन डिजीज़, ग्रीन मस्केडाइन डिजीज़, रेड मस्केडाइन डिजीज़, येलो मस्केडाइन डिजीज़, है ना। तो अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं अलग अलग स्पीसीज़ की वजह से होने वाले इन्फेक्शन पर, लेकिन जो मेन पॉपुलर हैं, जो ज़्यादा देखी जाती हैं बीमारी, तो वो होती है वाइट मस्केडाइन और ग्रीन मस्केडाइन। तो ऑफकोर्स हमें इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखने हैं जो कि है ब्यूवेरिया बेसियाना वाइट मस्केडाइन में, और ग्रीन मस्केडाइन में है मेटाराइजियम एनिसोपिली। ओके, तो ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म आपको याद होने चाहिए। और हम देख रहे हैं इनके सिम्टम्स की अगर हम बात करें क्या हो जाता है इस बीमारी में, मेन तो आप जान ही लिया कि जो वो उनकी बॉडी हार्ड हो जाती है ना, चौकी अपीरियंस वाली। उससे पहले हम देखते हैं द इन्फेक्टेड लार्वा बिकम इनएक्टिव, जो लार्वा है इनएक्टिव हो जाते हैं, स्टॉप फीडिंग, खाते पीते नहीं, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट हम कह सकते हैं, एक्सपीरियंस वॉमिटिंग भी देखी जाती है इस केस के अंदर, और साथ में लॉस इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, एंड डाई एंड बिकम हार्ड, और मर जाने के बाद डेथ हो जाती है जब उन लार्वा की, तो उनकी बॉडी हार्ड हो जाती है। साथ में अगर वाइट मस्केडाइन है तो उसके ऊपर वाइट फंगस की लेयर दिखाई देगी, और ग्रीन मस्केडाइन है तो उसके ऊपर ग्रीन फंगस की लेयर दिखाई देगी। तो इस तरह से हमने जाना मस्केडाइन डिजीज़ के बारे में, जिसे हम कैल्सिनो डिजीज़ भी कहते हैं। रही बात इनके मैनेजमेंट की, तो वो भी जो है मोस्टली अलग अलग जो भी डिजीज़ हैं उनका मैनेजमेंट तो एक जैसा सही होता है। इन केस आप इस मैनेजमेंट वगैरह को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF अवेलेबल है आप उस PDF को डाउनलोड करें, और उस PDF के अंदर सब कुछ मतलब मेजरमेंट्स वगैरह जो है वो अच्छे से दिए गए हैं, मतलब इनका मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से दिया गया है, तो आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और शायद ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, बट स्टिल इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आई रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही हमेशा की तरह इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस PDF को डाउनलोड करके आराम से इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है सेरिकल्चर पे एक तरह से लास्ट वीडियो था,
बट सेरीकल्चर के ही जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम पहले ही वीडियोस के रूप में बात कर चुके हैं। अगर इन केस आपने इस वीडियो के पहले वीडियोस जो हैं नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर इस वीडियो को आप लाइक करेंगे तो इस चैनल को सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ ही हम देखेंगे कि जो और भी इस चैनल की वीडियोस हैं YouTube आपको रिकमेंड करता रहेगा तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। और साथ में अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं जो कि हमसे वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं तो उस जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज वगैरह के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ। तो साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।